नमस्कार। दुखद खबर जिस तरह से कल जब आई थी मुगल रोड से तो हर एक का दिल दहल गया था। आखिर मैरून कोर यानी कि किस तरह से ज़िंदगी अपनी जिएगी जिसने अपने माता पिता के साथ अपने भाई को भी खो दिया था। क्या पता था कि वो घूमने या किसी काम के माध्यम से जा रहे थे परिवार के साथ। तो इसमें बताना चाहेंगे वाकई ये बड़ा ही एक दुखद हादसा था जिसमें बताना चाहेंगे डायरेक्टर फाइनेंस उनकी पत्नी धर्म पत्नी और उनके बेटे की जान गई। एक गाड़ी जो कि उनकी गाड़ी थी वो खाई में गिरी जिससे बेटी भी गंभीर रूप से घायल थी पर उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि एक बड़ा हादसा कल हुआ जबकि रणवीर सिंह बाली जो कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के और उनकी पत्नी उनके बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत होगी और उनकी बेटी बुरी तरह से घायल हुई। यानी कि उनकी जो गाड़ी थी वो एक गहरी खाई में जा गिरी जो कि पन्नार ब्रिज जो था मुगल रोड की ओर था वहाँ पर, और जो कि सोर्सों तक अब तक खबर पहुंची है लगभग 7:40 पर यह हादसा हुआ। स्विफ्ट कार नंबर जिसका नंबर था JK02BD4635 जो कि सुरनकोट से जो कश्मीर वैली की तरफ जा रही थी वाया मुगल रोड से होते हुए, और इन इसी के चलते एक सड़क हादसा हुआ जिसमें इन तीनों लोगों की जान गई और जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस भी थे और साथ ही साथ उनकी की धर्मपत्नी उनके बेटे की जो कि जान चली गई और उसके साथ उनकी बेटी थी वो भी गंभीर रूप से घायल थी। फिलहाल उपचार के बाद वो अभी खतरे से बाहर है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जिनका जो रणवीर सिंह जी थे वो डायरेक्टर फाइनेंस फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, उनकी पत्नी जो कि परविंदर कौर और उनका बेटा इरवान सिंह, उनकी जो बेटी थी मरहीन कौर, उनकी फिलहाल अब कंडीशन जो कि नॉर्मल बताई जा रही है। पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये कहेंगे कि मरहीन कौर किस तरह से जिएगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को उजड़ते हुए देखा। यानी कि अपने सर से अपने माता पिता के साये के साथ साथ अपने भाई की जो कलाई पर आंखी बांधती थी उसे भी आंखों से ओझल होते देखा। एक बड़ा ही दुखद हादसा और दुखद क्या दिल दहला देने वाला हादसा। क्या लगता था कि जो बताना चाहेंगे रणवीर सिंह बाली जो थे अपने परिवार के साथ मुगल सुरनकोट से मुगल रोड वाया मुगल रोड कश्मीर की तरफ जा रहे थे, मे भी वो घूमने के लिए जा रहे हों अपने परिवार के साथ जिस तरह से आप जानते हैं गर्मी में मोस्टली लोग जाते हैं, पर उसी के चलते इतना बड़ा हादसा हो जाना। शायद रणवीर सिंह जी को भी नहीं पता होगा कि वो कुछ ही देर के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देंगे अपनी पत्नी और धर्म पत्नी और अपने बेटे के साथ। पर मरहीन कौर का सुनकर वाकई दिल दहल जाता है किस तरह से मरहीन इस सदमे से बाहर आएगी। आखिर किस तरह से जिसने अपने माता पिता अपने भाई को आंखों के सामने अलविदा दुनिया को कहते हुए देखा। मरहीन भी उसी हादसे का शिकार थी, पर कहते हैं जिसे भगवान बचाए उसे कौन मारे। भगवान ने कहीं ना कहीं मरहीन की लिखी हुई थी इसलिए उसकी उम्र बढ़ गई, पर उसके माता पिता उसके भाई की शायद इतनी ही लिखी थी जिसके चलते वो इस सड़क हादसे का शिकार हो गए। बार बार हम यही कहते हैं कि इस रोड पर अगर डोडा किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें या मुगल रोड की बात करें, कई बार इस तरह के हादसा हमारे सामने आते हैं जो दिल दहला देते हैं। आखिर क्या कारण है ये भी देखना, क्या सड़कें अच्छी नहीं हैं या जिस तरह से बाकी गाड़ियों की जो कि हादसे होते हैं या पैसेंजर गाड़ियों की, क्या लगता है कि गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं। पर ये इनकी अपनी स्विफ्ट कार थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। हम ज़रूर कहेंगे कि जो परिवार है मरहीन कौर का उन्हें यानी कि मरहीन को भगवान इस इतने बड़े सदमे से बाहर निकलने की शक्ति दे, सहन करने की शक्ति दे। और जो बताना चाहेंगे आपको रणवीर सिंह बाली जी उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे को उनकी आत्मा को शांति मिले। आप ज़रूर जो कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखें। एक दुखद खबर है, अपनी जनता से यही निवेदन करते हैं इस मौसम में खासकर परिवार के साथ बाहर ना जाएं, यानी पहाड़ी इलाकों में ना जाएं। इस समय सड़कों पर फिसलन है, भूस्खलन है या यूं कहें कि लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इसी के चलते आप अपने आप कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब हादसा हुआ और उस हादसे का आप शिकार होगे। शायद रणवीर सिंह जी को भी नहीं पता था कि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी
जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुशी गम में मातम में डूब जाएगी, गुम हो जाएगी। और जिसके चलते महरीन कौर उसका सोच सोच कर भी दिल दहल रहा है कि किस तरह से वो बच्ची, वो बेटी किस तरह से अपनी आंखों से, अपने दिलों दिमाग पर से इस शाप को निकालेगी, इस सदमे से निकल पाएगी कि जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता भाई को दम तोड़ते देखा होगा। वो भी इस हादसे का शिकार हुई थी, पर भगवान ने उनकी लिखी हुई थी, इसलिए महरीन इस हादसे में बच गई। पर वही दूसरी तरह उसका परिवार, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। हम यही प्रार्थना करते हैं महरीन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, भगवान उन्हें इस गम से उभरने की, इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके भाई की आत्मा को शांति दे। ओम शांति। जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।